क्या आप जानते हैं सलमान खान की टाइगर 3 आज के डेट में YRF की सबसे हाई बजट मूवी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी फिल्मों को रियलिस्टिक बनाने के लिए CGI और VFX पर काफी खर्चा करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में टाइगर 3 के उसी VFX ब्रेकडाउन और CGI सीन्स को देखने और समझने वाले हैं कि आखिर कैसे 300 करोड़ जैसी महंगी फिल्म बनाई जाती है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। सीन 1, टाइगर्स एंट्री एंड मिशन टाइम पास। रॉ एजेंट गोपी अफगानिस्तान में तालिबान की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए पकड़ा जाता है, तो टाइगर को न्यू रॉ चीफ मैथिली मेनन की ओर से कॉल आता है और ये मिशन सौंपा जाता है कि गोपी को तालिबानियों से छुड़ा कर लाएं। तब हमें सलमान खान की ये टाइगर वाली ढांसू एंट्री देखने को मिलती है। मूवी देखते वक्त हम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस सीन को रियल लोकेशन अफगानिस्तान में नहीं बल्कि एक सेट पर शूट किया गया है। जी हाँ, इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को मुंबई के यशराज स्टूडियो में शूट किया गया था। सेट पर सूरज की जैसी रोशनी के लिए एक बड़ा सा लाइट लगाया गया था और फिर उसे पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग के वक्त VFX और CGI की हेल्प से सूरज, पहाड़ और बाकी चीजों को ऐड किया गया था। यही नहीं बल्कि उसके बाद जो बाइक्स की चेजिंग होती है उसके लिए भी VFX ही यूज किया गया था। तो सबसे पहले एक सेट क्रिएट किया गया जिसमें बाइक्स को चलाने और रेफरेंस के लिए ये ट्रैक्स ऐड किए गए, साथ ही कुछ घर भी बनवाए गए। फिर इनपुट के तौर पर सलमान खान और इन दो राइडर्स के साथ बाइक को भगाते हुए इस सीन को उन्होंने ब्लू स्क्रीन के साथ शूट किया था। बाद में CGI से इस पूरे इलाके को क्रिएट करके फिर इनपुट को इसमें मर्ज किया गया था एंड फाइनल रिजल्ट ये रहा आपके सामने। Isn't that amazing? यशराज के VFX इतने बेहतरीन होते हैं कि अच्छे अच्छों को समझ ना आए कि इनका कोई पर्टिकुलर सीन VFX से बनाया गया है या फिर रियल में शूट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जिसमें टाइगर इस बंदे को चलती हुई बाइक से स्टील रॉड फेंक कर मारता है, देखिए इसे भी उन्होंने किस तरह स्टूडियो में ही शूट करके VFX की मदद से स्मूथ बनाया था। एंड देन इस सीन में जब टाइगर गोपी को अपने बाइक से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर रहा था तब तालिबान का ये आदमी हेलीकॉप्टर को लॉन्चर से उड़ाने की कोशिश करता है। ये हेलीकॉप्टर, धमाका और धमाके से उड़ने वाली बिल्डिंग का ये टावर भी CGI का ही कमाल है। गोपी को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने के बाद टाइगर कैप्टन को प्लान बी एक्टिवेट करने को कहता है और वो प्लान बी था टाइगर का खुद सेफली बाइक से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट होना। उसके लिए उसे किसी ऊंची जगह पर जाना था जहां से वो हेलीकॉप्टर की तरफ छलांग लगा सके। ऊपर चढ़ने के लिए टाइगर इस लकड़ी के ब्रिज की हेल्प लेता है। आपको बता दें कि यहां पर शूट हुआ ये पूरा पोर्शन VFX से ही बनाया हुआ है और कमाल की बात ये है कि यहां कहीं पर भी हमें स्टंट डबल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये सभी स्टंट्स खुद भाईजान ही परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जंपिंग वाले सीन में शायद सलमान खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे इसलिए इसे टॉप व्यू से शूट करके दिखाया गया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है कि ये कोई स्टंट डबल ना होकर खुद सलमान ही हो। सीन 2, स्टीलिंग अ ब्रीफकेस फ्रॉम टावर बेसमेंट। आतिश रहमान के कहने पर और अपने बेटे जूनियर को बचाने के लिए टाइगर और उसकी टीम एक स्पेशल ब्रीफकेस चुराने टर्की जाते हैं। इस ब्रीफकेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर पैल कोड्स होते हैं। टाइगर और उसकी टीम उन कोड्स को हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। इस सीक्वेंस का कुछ पार्ट टर्की के इस्तांबुल शहर में शूट हुआ था और बाकी का पार्ट फिल्म स्टूडियो में शूट करके उसे VFX और CGI के इस्तेमाल से कम्प्लीट किया गया था। वो ब्रीफकेस टर्की के सेंट्रल मिलिट्री टावर के बेसमेंट वाले लॉकर में रखा होता है। प्लान के हिसाब से टाइगर को टावर के ऊपर से कूदकर नीचे बेसमेंट में जाना था। टाइगर इस कंस्ट्रक्शन क्रेन के ऊपर से उस टावर के टॉप पर जंप करता है। इस सीन में ये टावर और क्रेन्स को CGI से बनाया गया था। सलमान खान ने इस सीन को फिल्म स्टूडियो में ग्रीन पर्दे के सामने शूट किया था। बाद में उसे पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग में कितना रियलिस्टिक बनाया गया था ये हम देख ही सकते हैं। उसके बाद बेसमेंट में नीचे जंप करने वाले सीन से लेकर वापस ऊपर तक आने वाले सभी थ्रिलिंग सीन्स में VFX का ही कमाल है। टावर के अंदर इस गियर मैकेनिज्म को CGI से बनवाया गया था। ऐसा नहीं है कि मूवी में सब कुछ VFX और CGI से ही बनाया गया है, रियल लोकेशंस पर भी काफी शूटिंग की गई है, जैसा कि ये कार चेजिंग वाला सीन
इसे टर्की के इस्तानबुल शहर में शूट किया गया था। सीन 3, टर्किश आर्मी हैंडेड ओवर टाइगर टू पाकिस्तान। ये ब्रीफकेस चुराने के जुर्म में टाइगर को टर्किश आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। इसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर पैल कोड्स होने की वजह से टर्किश आर्मी टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर देती है। हैंडओवर वाली इस प्लेस को मूवी में हमें पाकिस्तान का इस्लामाबाद आर्मी बेस बताया गया है, लेकिन ऑब्वियसली इस सीन को रियल लोकेशन पर शूट ना करके उसमें दिख रहे प्लेन एंड लाइट्स को CGI और VFX से ही ऐड कराया गया है। सीन 4, पठान सेव्स टाइगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट एंड माय फेवरेट एक्शन सीक्वेंस ऑफ द मूवी। पैल कोड्स चुराने के जुर्म में टाइगर को पाकिस्तान के आर्मी जेल में रखा जाता है और किसी की हेल्प के बिना वहां से भाग पाना उसके लिए मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तब टाइगर को बचाने के लिए वहां पठान की एंट्री होती है। दिखने में ये शॉट हमें भले ही रियल लग रहा हो, लेकिन यहाँ भी VFX का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए एक बड़ा सा सेट मुंबई से नजदीक मड आइलैंड में लगाया गया था। टाइगर के जेल से छूटने को लेकर उन दोनों के इस पैराशूट से लटकने तक सब कुछ VFX और CGI से ही बनाया गया है। इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए उन्हें पूरे 10 दिन लगे थे और सलमान और शाहरुख दोनों ने इसमें काफी मेहनत करी थी क्योंकि वो दोनों खुद इसमें इन्वॉल्व थे। ये सीन देखिए जब टाइगर और पठान दोनों भी इस मटेरियल रोप वे में चढ़ रहे थे। इस सीन को कुछ इस तरह से ब्लू स्क्रीन के साथ शूट किया गया था। उस वक्त साइड में ये बड़ा सा ब्लोअर फैन लगाया गया था ताकि उनके कपड़े और बाल हवा से नेचुरली उड़ रहे हैं ऐसा दिखा सके। शोले से इंस्पायर्ड ब्रिज को बाइक से क्रॉस करने वाले इस सीन को मड आइलैंड के सेट पर ही शूट किया गया था और बाकी ब्रिज और पहाड़ों को इसमें VFX और CGI से ऐड किया गया था। उसके बाद करण अर्जुन के रेफरेंस वाले इस भाग टाइगर भाग सीन को भी वहीं शूट किया गया था। एंड देन जब टाइगर और पठान दोनों ब्रिज के दूसरी ओर आते हैं, इस पूरे एक्शन सीक्वेंस में दिखाए गए हेलीकॉप्टर, ब्रिज, पहाड़, बॉम्ब के धमाके, उससे लगी हुई आग और यहाँ तक कि कुछ जगह में आर्मी कमांडर्स भी VFX और CGI से ही ऐड किए गए थे। सलमान खान का ये वाला सीन जो कि हमें टीजर और ट्रेलर में देखने को मिला था, तब मुझे लगा था कि ये सीन श्योरली सलमान के बॉडी डबल ने परफॉर्म किया होगा, लेकिन जब इस VFX ब्रेकडाउन के वीडियो को देखा तब पता चला कि इस तूफानी शॉट के पीछे भाईजान की खुद की परफॉर्मेंस है। कैमियो के लास्ट में पैराशूट से उड़ने वाले इस सीन को भी उसी स्टूडियो में ब्लू स्क्रीन पर शूट किया गया था। सीन नंबर 5, आतिश एंड टाइगर्स फाइट। इस क्लाइमैक्स सीन के VFX ब्रेकडाउन को देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि मूवी देखते वक्त मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि आतिश और टाइगर के फाइट के वक्त दिख रहे इस घोड़े को भी CGI से ऐड किया गया होगा। आई मस्ट से VFX टीम डिड अ कमेंडेबल जॉब। नेक्स्ट सीन, मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद यानी कि मूवी के एंड में राकेश जी इंडिया वापस आ जाते हैं। प्लेन से नीचे उतरने वाले इस वीडियो को देखकर अब जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये प्लेन असली नहीं बल्कि CGI है। बट रियलिटी इज यहाँ भी VFX का ही कमाल है। वैसे देखा जाए तो टाइगर 3 स्टोरी मेक्स मोर सेंस देन पठान, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स टाइगर 3 को नहीं मिला। शायद सलमान खान की लास्ट कुछ सेंसलेस मूवी की वजह से इस मूवी को भी सफर करना पड़ा। जहां पठान ने 1050 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, वहीं टाइगर 3 उसका आधा भी नहीं कमा पाई, यानी 500 करोड़ भी नहीं क्रॉस कर पाई। इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुछ 466 करोड़ की है। टाइगर, पठान और कबीर, इन तीनों कैरेक्टर्स में से YRF स्पाई यूनिवर्स का आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद आप किस मूवी के बिहाइंड द सीन्स और VFX ब्रेकडाउन को देखना चाहेंगे, डू लेट अस नो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।